हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र धर्मेंद्र फ्रॉम डी एस टू डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो ना हमेशा आप चाहते हो ना कि बोलें अंग्रेजी तो अंग्रेजी बोलने का स्वाद यहाँ से शुरू करो हमने कई बार कई सीरीज बनाया है हो सकता है इस तरह का सीरीज ये चौथा पांचवा सीरीज हो आपने लाखों वहाँ पे देखे हैं आपको एक एक करके तरह तरह के वो से ले करके आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप जितना सेंटेंस चाहो ना उतना सेंटेंस आप बोल सकते हो बस एक बार मेरे साथ लग जाओ एक बार भिड़ जाओ और बोलने का प्रयास करो और देखो आप कितना खूबसूरत इंग्लिश बोल सकते हो यहाँ बात करा सब्जेक्ट प्लस ईजे आर प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड इसका सेंस क्या है अब जहाँ तो सब्जेक्ट लगाया इज एम आर लगाया अब इज एम आर के साथ तो आपको पता है सर वी फोर आता है अब वी फोर यहाँ पर नहीं लगाया हमने हमें लगाया क्या टू प्लस वी वन तो टू प्लस वी वन लगाया यहाँ पे तो वाला वाली का सेंस दिया या फिर ना का सेंस दिया जैसे हमने कहा मैं पढ़ने वाला हूँ वह वा आने वाला है वह वा जाने वाला है वह वा खेलने वाला है वह वा रोने वाला है वह वा पढ़ने वाला है वह वा जाने वाला है, वा है है ना तो जहाँ भी वाला वाली है मुझे जाना है मुझे पढ़ना है मुझे खेलना है मुझे दौड़ना है है ना तो जहां भी पाला बोली हो अब कहो सर जाना है कि हैव टू लगाते हैं तो हैव टू हो गया कंपलसन जैसे आई है, हैव टू रीड मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है मैं पढ़ने वाला हूं आई एम टू रीड तुम पढ़ने वाले हो यू आर टू रीड तुम्हें पढ़ना पड़ता है यू हैव टू रीड वहाँ जाना पड़ता है यू हैव टू गो देयर वह तुम जाने वाले हो यू आर टू गो देयर वही चीज दिया हूँ तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपके लिए बना दिया है मेरे बच्चे अब एग्जाम्पल भी बना दिया है आप इसको देखो आप बाजार जाने वाले हैं यू आर टू गो टू मार्केट बोलो मेरे साथ यू आर टू गो टू मार्केट सुमित मैच वाला है सुमित इज टू विन द मैच है ना वह यहाँ आने को है सी इज टू कम हेयर है ना मैं एक रेडियो खरीदने वाला हूँ आई एम टू बाय अ रेडियो है ना रो रोने वाली है सी इज टू क्राई She is to cry. अब बोलो मेरे साथ तुम पढ़ने वाले हो यू आर टू रीड वह जाने वाला है ही टू गो वह खाने वाली है वह वा जाने वाला है? To go. अब प्रश्न उठता है कि वाला वाली तो हो गया अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो यहां ईजे मार्ग की जगह आप अगर चाहो तो लगा दिया अपने आपने है और हैड ध्यान देना बच्चे अगर है जब किया तो प्रेजेंट की बात है और हैड किया तो पास्ट की बात है अब यहां बाजार जाना पड़ता था बाजार जाना पड़ता था तो यहां वाला वाली ना होकर के पड़ता है या पड़ता था हो जाएगा जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता था आई हैव टू मार्केट तो आई मार्केट मुझे खाना खाना पड़ता था यार आई हैव टू हिट फूट मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था आई हैव टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलना पड़ता था आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे खाना बनाना पड़ता था आई हैव टू प्रिपेयर फूड आई हैव टू कुक फूड आई हैव टू मेक फूड राइट तो आप जितना चाहो उसे बता देना पड़ता था हैव टू गो टू मार्केट मुझे खाना होना पड़ता था आई हैव टू कुक फूड खाना बनना पड़ता है आई हैव टू कुक फूड तो पड़ता है हैज पता था हेड का प्रयोग और वाला वाली हो तो एम मार का प्रयोग तो आपको ध्यान देना है किसी भी सेंटेंस को किसी भी स्ट्रक्चर को इसके माध्यम से आप आसानी से बोल सकते हैं अब देखते हैं इसी का अगला स्ट्रक्चर और बढ़िया से करने के लिए अब यहाँ पे क्या चेक किया हमने हमने क्या अब मान लो हमने कहा कि वह वा मरने वाला है बोलो मरने वाला नहीं वह वा जाने वाला है वह वा जाने वाला नहीं है तुम खाने वाले हो यार तुम खाने वाले नहीं हो वह वा सोने वाला है वह वा सोने वाला नहीं है वो वा हंसने वाली है वो वा हंसने वाली नहीं है तो वो वा हंसने वाली है सी इज टू लाफ वो वा हंसने वाली नहीं है तो सी इज नॉट टू लाफ तो आपको बस वही दे रहा हूँ वही एग्जाम्पल है, तुम था तुम था है। पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हो आपको ट्रांसलेशन सीखना है आप सेंटेंस को ट्रांसलेट भी कर सकते हो ये पॉजिटिव था आप नेगेटिव बना सकते हो अब देखो सब्जेक्ट प्लस इज आर नॉट प्लस टू प्लस हमने नॉट का प्रयोग कर दिया बाकी सब सेम रहेगा तो आप नेगेटिव बना सकते हो हमने क्या रामू मरने वाला नहीं है रामू इज नॉट टू डाई रामू इज नॉट टू डाई वह रोने वाली नहीं है वह रोने वाला नहीं है ही इज नॉट टू ई he is not to cry. तुम एक रेडियो खरीदने वाले नहीं हो you are not to buy a radio. you are not to buy a radio. अब मेरे साथ बोलो तुम जाने वाले नहीं हो तुम जाने वाले नहीं हो बोलो अंग्रेजी आप आप बोलो बैठे मत रहो कॉपी कलम निकालो लिखो और बोलो बोलोगे तभी बोलना है पता है क्या हम लोग करते हैं हम लोग डरते रहते हैं गलती बोल दूंगा हम लोग इस डर में बैठे रहते हैं कभी बोलने नहीं आएगा लाइफ में अगर डर गए तो आपको डरना नहीं है आज आप शुरू हो जाओ जा, मेरे साथ बोलो तुम जाने वाले नहीं हो यू आर नॉट टू गो तुम बाजार जाने वाले नहीं हो यू आर नॉट टू गो टू मार्केट तुम पढ़ने वाले नहीं हो यू आर नॉट टू रीड तुम कित अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हो यू आर टू स्पीक इंग्लिश बोलो मेरे साथ। तुम खाने वाले नहीं हो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम खाने वाले नहीं हो यू आर नॉट टू इट तुम हंसने वाले नहीं हो यू आर नॉट टू लाफ वह रोने वाली नहीं है सी इज नॉट टू क्राई आ रहा है बोलने में मजा आ रहा है तो आप इसको बोलो और बोल करके ना आप इंटरेस्ट लेके बोलो तब बोलना है। और दिखाता हूं इसमें इंट्रोगेटिव सारा स्ट्रक्चर अगला देखते हैं हम लोग अब देखो इसी सेंटेंस का कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव हमने कहा वह वा मरने वाला है वह वा मरने वाला नहीं है क्या वह वा मरने वाला है तुम जाने वाले हो तुम जाने वाले नहीं हो क्या तुम जाने वाले हो <laughs> ना तो ये मजेदार है आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बना सकते हो बस एक बार मेरे साथ बोलो अंग्रेजी राइटिंग चाहते हो ना लिखो बोलना चाहते हो ना बोलो अब जो चाहते हो बस करो क्या हुआ मरने वाली है इज सी टू डाई क्या वो मरने वाली है इज सी टू डाई क्या तुम पटना जाने वाले हो आर यू टू गो टू पटना आर यू टू गो टू तो आर यू टू क्यों लगाओगे क्योंकि वाला वाली तो तभी होगा ना यहाँ पे क्या वह आने वाला है इज ही टू कम क्या वह आने वाला है इज ही टू कम क्या तुम पढ़ने वाले हो आर यू टू रीड क्या तुम सोने वाले हो आर यू टू स्लीप बस मेरे हो तो क्या तुम सोने वाले नहीं हो आर यू टू स्लीप क्या तुम जाने वाले नहीं हो आर तो आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए बोलो मेरे साथ तुम पढ़ने वाले हो बोलो जल्दी बोलो तुम पढ़ने वाले हो यू आर टू रीड तुम पढ़ने वाले नहीं हो यू आर नॉट यू आर नॉट टू रीड क्या तुम पढ़ने वाले हो आर यू टू रीड बोलना आ रहा है बच्चे अब और बोलो मेरे साथ वह वा खाने वाली है बोलो वह वा खाने वाली वह वा खाने वाली है सीज टू इट वह वा खाने वाली नहीं है सी इज नॉट टू इट क्या वह खाने वाली है इज सी टू इट क्लियर तो इस तरह से हम लोग जितना मर्जी करें अंग्रेजी बोल सकते हैं लिख सकते हैं बस एक बार करने की आवश्यकता है मैं तो कहता हूँ अब दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली आ सकते हो और आ करके आई कांटेक्ट से मेरे साथ पढ़ सकते हो नहीं भी आ सकते ना तो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास ले सकते हो सेम क्लास लाइव पढ़ सकते हो आराम से काम कर सकते हो तो हमने बेसिक से क्या देखा सब्जेक्ट अब देखो हमने कहा था इजे मार्क बस चीज वही है. है को था कर देना है हमने कहा कि जैसे वह वा जाने वाला है वह वा जाने वाला था तुम पढ़ने वाले नहीं हो तुम पढ़ने वाले नहीं थे क्या तुम पढ़ने वाले थे क्या तुम पढ़ने वाले नहीं हो तो है और थे दोनों को साथ साथ बोलना है तब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा बेहतर तरीके से अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट प्लस वाजबर टू प्लस भीवन बट यहाँ पे आप ईजे मार करोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज बर नॉट टू भी ईजे मार वाला भी है वेयर सब्जेक्ट प्लस टू प्लस प्लस अदरव तो पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अब यहाँ पे है तुम एक किताब लिखने वाले थे तुम एक किताब लिखने वाले थे यू वर टू राइट अ बुक यू वर टू राइट अ बुक दूसरा कहते हैं क्या तुम पढ़ने वाले नहीं थे वरंट यू रीड अ बुक या बोल सकते हैं वेयर यू नॉट टू रीड अ बुक राइट दूसरा जैसे क्या मोहित बाजार से आने वाला था क्या मोहित बाजार से आने वाला था तो वाज मोहित टू कम फ्रॉम मार्केट वाज मोहित टू कम फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट है सुधीर एक गाय खरीदने वाला था सुधीर वाज टू बाय अ काउ सुधीर वाज टू बाय अओ लता वहां जाने वाली नहीं थी लता वाज नॉट टू देयर लता वाज नॉट टू देयर अब मेरे साथ बोलो ना फटाफट तुम एक किताब खरीदने वाले थे यू र टू बाय अ बुक तुम ये किताब खरीदने वाले नहीं थे वर यू टू बाई अ बुक तो क्या तुम क्या तुम किताब खरीदने वाले थे वर यू टू बाई अ बुक तुम किताब खरीदने वाले नहीं थे यू वर नॉट टू बाय अ बुक समझ पा रहे हो उसको तो आप सेंटेंस को जितना बार बोलना चाहोगे जल्दी से बोलो अंग्रेजी बोलना है क्या बोला यू वर टू बाय अ बुक यू वर नॉट टू बाय अ बुक वर यू टू बाई अ बुक तुम जाने वाले थे यू वर टू गो देर तुम वहां जाने वाले थे यू वर टू देयर तुम वहां जाने वाले नहीं थे यू वर नॉट टू देयर क्या तुम वहां जाने वाले थे वर यू टू देयर समझ लो तो सीता पढ़ने वाली थी सीता वाज टू रीड सीता पढ़ने वाली नहीं थी सीता वाज नॉट टू रीड क्या सीता पढ़ने वाली थी वाज सीता टू रीड तो आप सेंटेंस को जितना मर्जी करें ए टिप ऑफ द टंग होना चाहिए तब आप बेहतर बोल सकते हो तुम आने वाले हो यू आर टू कम तुम आने वाले थे यू टू कम वह खाने वाली थी सी ईट वह खाने वाली है सी ईट तो एक बार टंग पे सेट होना चाहिए कहाँ है कहाँ था है वह वा जाने वाली है सी टू गो वह जाने वाली जाने वाली थी सी गो वह आने वाला है टू कम वह आने वाला था सी कम तो इस तरह से आप जितना चाहोगे ना बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो और इसके साथ साथ मैं एक सलाह देना चाहता हूं आप घर बैठ करके अंग्रेजी बेहतर सीख सकते हैं आप स्पोकन करना चाहते हैं ना तो भारत में पहली बार हमने ऑनलाइन स्पोकन भी लॉन्च किया है तो आप स्पोकन लेकिन मेरा सलाह यह है कि स्पोकन के साथ पहले फाउंडेशन जरूरी है वरना स्पोकन समझ में नहीं आएगा तो आप घर बैठे फाउंडेशन भी कर सकते हैं और घर बैठे स्पोकन भी कर सकते हैं दोनों कोर्स लॉन्च किया गया है लेकिन मेरा सलाह होगा कि आप फाउंडेशन के साथ करें तो आपको समझ में ज्यादा आएगा इसके साथ साथ आप चाहते हो दिल्ली आकर पढ़ना तो दिल्ली अब दूर नहीं है दिल्ली आकर के मेरे साथ एक बेहतर क्लास ले सकते हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं डब्ल्यू मेरे प्यारे बच्चे आप टेस्ट दे सकते हैं आप की तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट भी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है चल रहा है लिंक में डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कैसे ले एडमिशन सब बताया हुआ है आपको बस तैयार होना है और देखना है आप देखिए कौन सा कोर्स कैसे करना है मैं तो पढ़ाई हूँ यूट्यूब पर यूट्यूब एक नमूना है जिसके माध्यम से आप सीख सकते हो लेकिन बेहतर क्लास करना चाहते हो डेढ़ घंटे का कंप्लीट दो घंटे क्लास तो इसके लिए आपको एक ऑनलाइन कोर्स चलना जाना होता है या फिर दिल्ली आना होता है से कोई काम करें आपके बेहतर है और पूरा समय देने के लिए इस वीडियो को क्रांति की तरफ आप का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू